everyone, welcome to my YouTube channel Study Box. I'm Sagarika Singh and आज की इस वीडियो में स्पेशली ये वीडियो है क्लास 11th के बच्चों के लिए जिन्होंने अभी 10th क्रॉस करी है एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल गाइज. एंड अब आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है दैट इज़ पेंटिंग जिसका कोड है 049. सो आपको आज मैं अपनी इस वीडियो में बताऊँगी कि आपको क्या सिलेबस पढ़ना है अपनी पेंटिंग के अकॉर्डिंग. पेंटिंग सब्जेक्ट हम आज तक हमने 10th तक यही सुना है कि पेंटिंग में खाली हमें ड्राइंग करनी होती है, ठीक है. लाइक पेपर पेन पेपर दिया जाता है उसके ऊपर हम पेंसिल चला देते हैं और ड्राइंग बन जाती है हमारी बहुत सुंदर सी. सो अब आपको यहाँ पे आपका दो पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा पेंटिंग सब्जेक्ट. एक होगा आपका थ्योरी पोर्शन जो आपको मैं पढ़ाऊँगी और एक होगा आपका प्रैक्टिकल पोर्शन जो कि आपके टीचर्स आपको बता देंगे कि आपको क्या ड्राइंग करनी होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है. आपको इसके लिए पोर्टफोलियो सबमिट करने पड़ते हैं, आपको कैनवस पे ड्राइंग्स देनी पड़ती है, आपको फिर प्रैक्टिकल एक एग्ज़ाम होता है वो देना पड़ता है, वाइवा भी होता है जिसके अंदर. सो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सारी चीज़ें आपको आपके टीचर्स बताएंगे और ये होता है आपका 70 नंबर का. बाकी जो यहाँ पे हम मेन फोकस करेंगे वो होगा 30 नंबर का, ठीक है. उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा थ्योरी वाला पोर्शन. अब उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे उसके नोट्स पढ़ने हैं, बिकॉज हमने आज तक इंग्लिश पढ़ा है, सोशल पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, फिर मैथ्स पढ़ा है, हिंदी पढ़ा है, मेनी मोर सब्जेक्ट्स. तो उसमें हमें पता होता है कि कैसे ग्रास्प करना है और कैसे हम उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं. बट यहाँ पर आपको ऑलरेडी पेंटिंग सब्जेक्ट है तो इसके बारे में कैसे पढ़ना है, इसके कौन से डिटेल एक्सप्लेनेशन, लाइक इसमें भी कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है. यस, होती है. और सबसे बेस्ट बात ना पेंटिंग की ये है जो मैं आपको पढ़ाऊँगी. सपोज मैंने आपको यहाँ पे फोटो दिख रही होगी कुतुब मीनार की, ठीक है. मैं आपको पढ़ाऊँगी कुतुब मीनार बना कैसे, किसने बनाया, कब बनाया, क्या क्या चीज़ें इसकी इंपॉर्टेंट है. आपका क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कुतुब मीनार. सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पेंटिंग में, दिस इज़ द बेस्ट थिंग. लाइक 11th में एंड 12th में दोनों में ये सबसे बेस्ट चीज़ें होती हैं. फिर आता है आपका स्टडी टिप्स कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए पेंटिंग के लिए, बिकॉज आपको हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ पता चल जाएगा. पेंटिंग के लिए समझ में नहीं आएगा कि कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए. और पेंटिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है कि बहुत ईजी है ये, इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं. तो हफ्ते में एक दिन पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस पढ़ लो, ठीक है. सो नेक्स्ट जो चीज़ आती है दैट इज़ हमारा कि हमारा कितना पोर्शन हमें कैसे कैसे कवर करना है. ओके, सो हमारा जो क्लास 11th का ये पेपर रहेगा पूरा, इसका कोड होगा 049. यही कोड आपका 12th में है और यही कोड आपका 11th में है, ठीक है. ये जो पूरा पेपर होगा आपका 30 नंबर का पेपर होगा, बस 30 नंबर का पेपर होगा. बाकी जो 70 नंबर हैं वो आपके टीचर के हाथ में हैं, जो कि अगर आपके उनका साथ अच्छा बिहेवियर रहा, आपने सारे काम टाइम पे कर दिए, सारी चीज़ें आपने उनके अकॉर्डिंग कर दी, कॉपी बना के दे दी, तो वो आपको 70 नंबर दे देंगे, ठीक है. तो अच्छा व्यवहार रखना. और आता है कि 30 नंबर का पेपर रहेगा तो 2 घंटे का टाइम पीरियड मिलेगा आपको ये पेपर करने के लिए. और ये खाली एक ही थ्योरी पेपर होगा, इसके अलावा और कुछ आपसे नहीं मांगा जाएगा, ठीक. अब आते हैं कि यूनिट वाइज वेटेज पे. इसमें क्या है, आपके 3 यूनिट हैं, ठीक है. आपको पढ़ना क्या है बेसिकली 11th में, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट. इंडिया के बारे में आर्ट की जानकारी रखना कि कैसे वो जो हमारी इंडिया में आर्ट कैसे इवॉल्व हुआ है, कैसे सारी चीज़ें आई हैं, ठीक है. सो हमारा पहला यूनिट है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स एंड आर्ट ऑफ इंडस वैली. ये जो आपका यूनिट है इसके अंदर हम पढ़ेंगे रॉक पेंटिंग्स कैसे डेवलप हुई और आर्ट ऑफ इंडस वैली की, इंडस वैली के बारे में जो हमारी फर्स्ट सिविलाइजेशन थी उसमें कैसे आर्ट का डेवलपमेंट हुआ, ये आएगा आपका 10 नंबर का. नेक्स्ट हम आते हैं बुद्धिस्ट जैन एंड हिंदू आर्ट के बारे में, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि कैसे अलग अलग रूलर्स के टाइम पे इवॉल्व भी कैसे हुआ. नेक्स्ट आते हैं कि इसके अंदर आपको पता चलेगा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ अजंता के बारे में, अजंता क्या है क्या नहीं है ये सब आपको वीडियो में पता चलेगा, ये अगेन 10 नंबर का आएगा. और लास्ट यूनिट दैट इज़ हमारा टेम्पल्स कल्चर्स के बारे में, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टेम्पल्स आपको पढ़ने हैं, जो कि पूरी इंडिया में लाइक कुछ कुछ टेम्पल्स होंगे, आपको कुछ कुछ टेम्पल्स के बारे में पढ़ना है. और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जैसा कि आपको आगे की थंबनेल में भी दिख गया था, कुतुब मीनार के बारे में पढ़ना होगा. एक दो ही हैं खाली आर्किटेक्चर्स जिसमें आपको कुतुब मीनार, गोल गुंबज के बारे में पढ़ना है, ताज सेट. और ये भी आएगा आपका 10 नंबर का. तो टोटल होगा आपका पूरा का पूरा पेपर 30 नंबर का, 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है ये. ओके,
सो हमारी जो फर्स्ट यूनिट आती है दैट इज प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स एंड आर्ट ऑफ इंडस वैली। यहाँ पे मैं आपके लिए तीन वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है, इस चैप्टर में, क्योंकि ए बी सी तीन पार्ट्स हैं। हम तीन वीडियोस में इस पूरे चैप्टर को यूनिट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहली यूनिट में आएगा प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जितनी भी ये पेंटिंग्स हैं, रॉक पेंटिंग्स होते क्या है, पत्थर के ऊपर पेंटिंग करना, जैसे कि आप फोटोज़ में भी देख सकते हो, तो वो शुरू कैसे हुई, अलग अलग एज, अलग अलग टाइम पीरियड में, आपने कभी नाम सुना होगा मिसोलिथिक, नियोलिथिक, पैलोलिथिक एजेस, तो इसमें कैसे पेंटिंग्स इवॉल्व हुई उसके बारे में, कहाँ पर हुई, लोकेशन। फिर हम पढ़ेंगे कि एक पर्टिकुलर पेंटिंग के बारे में, दैट इज़ विजार्ड डांस। एक पेंटिंग आपको उठा के दी गई है, विजार्ड डांस, आपको इसके ऊपर पढ़ना है, ठीक। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। अब किसका इंट्रोडक्शन है, ये आर्ट ऑफ इंडस वैली, इंडस वैली के अंदर कैसे इवॉल्व हुआ आर्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे, कब हुआ, कहाँ हुआ, और जगह दी गई है आपको कुछ हड़प्पा, मोहनजोदारो, रंगपुर, लोथल, कालीबंगन, बनावली, तो ये कुछ जगह हैं जहाँ के बारे में हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर आते हैं दैट इज़ थर्ड चैप्टर, यूनिट वन के अंदर थर्ड चैप्टर, कि आपको स्कल्पचर्स, टेराकोटा और सील्स दे दिए गए। स्कल्पचर्स, अब ये सब क्या होता है, स्कल्पचर क्या होता है, टेराकोटास क्या होते हैं, टेराकोटा का तो हम तो कभी सुना ही नहीं आज तक हमने, फिर सील्स क्या होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें कि आपके चार ही पढ़ने हैं, डांसिंग गर्ल, मेल टोरसो, मदर गॉडेस एंड बुल सील, ये कुछ चार चीज़ें हैं जो कि आपको कवर करनी है। नेक्स्ट यूनिट पर आते हैं, दैट इज़ यूनिट टू, हमारा है बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आर्ट। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम फर्स्ट चीज़ पढ़ेंगे जो कि अलग अलग टाइम पीरियड में मौर्यन, शगुनास एंड कुशानास, ये कुछ लाइक रूलर्स थे, कुछ टाइम पीरियड था, तो इन सब के टाइम पीरियड में कैसे आर्ट का इन्वॉल्वमेंट हुआ और कैसे स्कल्पचर्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर में आपको कराऊंगी मैं कि कुछ स्कल्पचर्स हैं, लायन कैपिटल, चौरी बियर, सीटेड बुद्धा एट करतार माउंट एंड लास्ट इज जैन तीर्थांकरा, तो ये कुछ अलग अलग स्कल्पचर्स हैं जिनके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है। सपोज लायन कैपिटल, आपको मैंने ये मूर्ति बना के मतलब फोटो आ रखी है आपकी, आपको इसके बारे में सब कुछ बताना है, यू हैव टू डिस्क्राइब और यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लायन कैपिटल। अब इसके बारे में आपको सब लिखना है कि ये कहाँ से है, सारनाथ से है, कौन से टाइम पीरियड से, मॉडर्न टाइम पीरियड से, उसके बाद उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन, ये कहाँ पे, अभी कहाँ पे मौजूद है ये, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है। तो यही बेसिकली करना है आपको पेंटिंग में, आपको एक पेंटिंग पकड़ा दी जाएगी या फिर आपको एक स्कल्पचर पकड़ा दिया जाएगा और बोलेंगे कि इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। लास्ट चैप्टर है आपका यूनिट टू के अंदर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू अजंता। अजंता की गुफाओं के बारे में आपने कभी सुना है, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, हम अपने चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि अजंता के बारे में क्या है, कितने केव्स हैं ये, इसके अंदर क्या मेन चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। लास्ट यूनिट इज़ आर टेम्पल स्कल्पचर्स, ब्रोंज एंड आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इतना लंबा नाम है। ओके, सो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इंडियन टेम्पल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि इंडियन टेम्पल्स का इंट्रोडक्शन, कुछ कुछ टेम्पल्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे, कैसे उनका इन्वॉल्व अगेन वो इवॉल्व हुए हैं। फिर हम इसमें पांच बेसिकली और मेन टेम्पल्स के स्कल्पचर्स को देखेंगे, दैट इज़ जेसेंट ऑफ गंगा, त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण, सिंबल प्लेयर एंड मदर एंड चाइल्ड, ये कुछ पांच पेंटिंग्स हैं। इसको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, किस किस फॉर्म में पढ़नी है, आपको सब मिलेगा मेरी वीडियोज़ में। अगर आपको एज अ रेफरेंस लेना है तो आप मेरी 12th क्लास की एक भी वीडियो उठा करके देख सकते हो, एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स कि ये जो अभी बच्चों ने पेपर दिया है 2022 का एंड उनका 12th का रिजल्ट अच्छा आया है, रिजल्ट इन द सेंस जब वो पेपर दे के आए तो उन्होंने मेरे पास मैसेज किया कि मैम हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है, एंड बिलीव मी पूरा का पूरा पेपर वहीं से आया था जो मैंने पढ़ाया था। सो नेक्स्ट आते हैं बी, दैट इज़ ब्रोंज। ब्रोंज, अच्छा हाँ, इसमें क्या है कि हमें इंट्रोडक्शन टू इंडियन ब्रोंज, कि ब्रोंज टेक्निक क्या होती है, कास्टिंग टेक्निक, सॉलिड, हॉलो, सो ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। फिर आते हैं हम लास्ट चीज़, दैट इज़ स्टडी एंड अप्रिसिएशन ऑफ साउथ इंडियन ब्रोंज। अब ब्रोंज के स्कल्पचर्स हमने लास्ट देखा कि सेकेंड आपका टॉपिक जो था ब्रोंज के अंदर है कि मेथड ऑफ कास्टिंग, की ब्रोंज की चीज़ों को कास्ट कैसे किया जाता है, ब्रोंज बेसिकली बोल किस चीज़ को रही हूँ मैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें उसमें आपको एक है नटराज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अभी बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर आते हैं हम आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि इस्लाम के कुछ दो ही हैं बेसिकली, जो आपको दो फोटोज दिख रही है ना, कुतुब मीनार और गोल गुंबज, इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना है,
क्या क्या चीज़ें पढ़नी होगी, इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसका इसकी टेक्निक क्या है, किसके टाइम पे ये पीरियड बनाई गई थी, किसने बनाई थी, और बहुत थोड़ी बहुत चीज़ें आपको कवर करनी है और उतना ही पढ़ना है, उसके एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, सो विद दिस आपकी क्लास 11th की जितनी भी आपको जो जो पढ़ना था, जहाँ जहाँ से पढ़ना था, जैसे पढ़ना था, मैंने आपको सब बता दिया है। सो मेरी सीरीज़ में बने रहे ना, मेरी वीडियोज़ जल्दी ही आएंगी आपके हर एक चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। और कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।